बच्चों एक टाइम मेरी लाइफ में ऐसा आया, यू नो, जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे ऐसा लगता, मुझे बच्चों हर जगह सीएस दिखता था। मैं कोई अच्छी कार देखूँ, मुझे लगता था कि यार सीएस बन के ये कार डेफिनेटली मेरी होने वाली है। बच्चों मेरा जो जो मेरा स्टूडेंट लाइफ है बच्चों, बहुत तकलीफ़ में था। और खैर, ऐसा तो हर एक फैकल्टी बोलती है डेफिनेटली बच्चों, तो सबका ही होता है, क्योंकि हर सीएस करने वाला कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में चेंजेस लाता है। क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा हम्बल बैकग्राउंड होता है, फिर हम अपनी लाइफ में मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, जब मैं सीएस करता था, मेरे मन में इतना पागलपन था सीएस को लेके, इतना पागलपन था कि कोई भी अच्छी गाड़ी जाए मैं देख के यही बोलता था कि सीएस बनने के बाद लूँगा। कहीं पे कपड़े खरीदने मेरे पास पैसे नहीं, मैं यही सोचता था कि सीएस बनने के बाद ज़रूर लूँगा। मेरे पापा मम्मी को कोई दिक्कत थी, कुछ प्रॉब्लम थी बच्चों, मैं यही सोचता था कि अभी तो मैं नहीं सॉल्व कर सकता, बट सीएस बनने के बाद डेफिनेटली सॉल्व करूंगा। कई बार मन में ख्याल आता कि पार्ट टाइम जॉब करूं, बट मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता था कि उस चीज़ से मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा। बच्चों बच्चों पागलपन होना चाहिए, मालूम है कि यार मुझे करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं यहाँ पे देखता हूँ लोग एक अटेम्प्ट फेल होते हैं, या कुछ हो गया, दो तीन कंसेप्ट समझ में नहीं आया, तो डायरेक्टली दे मेक अ प्लान टू क्विट सीएस। यार फिर कैसे सीएस बनोगे आप? आज नहीं तो कल तो छोड़ ही दोगे। सो एक चीज़ याद रखिए बच्चों, बच्चों वो पागलपन जरूरी है, वो जुनून जरूरी है, हर एक चीज़ में सीएस दिखना चाहिए। बच्चों मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मुझे या फिर आप भी देखिए बच्चों। फॉर एग्जांपल, आपने कोई नया फ़ोन देखा, आप नोकिया का कोई या सैमसंग का नोट 10 अभी आया है, आपने नोट 10 देखा। नोट 10 देखने के बाद बच्चों आप उस फ़ोन के लिए इतना पागल हो गए, आपके पास संसाधनों की कमी थी, आपके पास पैसे नहीं थे, बट आप इतने पागल हो गए उस फ़ोन के लिए, आपने पापा से ज़िद की, आपने इधर उधर से पैसे अरेंज किए, और आप देखिए अल्टीमेटली आपके पास 10-15 दिन में वो फ़ोन आ ही जाएगा। भगवान नहीं जाने आपको कहाँ से पैसा देगा, क्योंकि आपके पास जुनून, जोश, जज्बा उस फ़ोन को पाने के लिए इतना ज़्यादा था कि आपके जोश, जज्बे और जुनून ने वो फ़ोन आपको दिलवा दिया। बच्चों मैं चाहता हूँ ना, यही जुनून, यही पागलपन, ये ताकत किसके लिए आए बच्चों? सीएस करने के लिए। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है मुश्किल, ये सवाल है। ये किसी गाने की लाइन है, मैंने नहीं बनाई, बट ये गाना मुझे इतना अच्छा लगा, ये लाइन मुझे इतनी अच्छी लगी बच्चों, जब मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं है, जब मेरा दिमाग साइलेंट है, क्योंकि आजकल तो मोबाइल के चक्कर में हमको कभी अपने करियर के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिलता बच्चों, क्योंकि हम हमेशा मोबाइल में लगे रहते हैं। कुछ भी खाली मिला, मैं क्लास छोड़ के आता हूँ, मैं देखता हूँ बच्चे तुरंत मोबाइल में आते हैं। सो बच्चों बेख्याली होना चाहिए, बच्चों बेख्याली आपके दिमाग में कभी तो ऐसा होना चाहिए जब आपके दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा है, और उस समय आपके दिमाग में आपके सपने आना चाहिए, आपके पागलपन आना चाहिए, सीएस कोर्स के प्रति आपका ट्रस्ट आना चाहिए। लोग बोलते हैं यार तू सीएस मत कर, तू ज़्यादा नहीं कमा पाएगा। बच्चों मैं उनको बोलूंगा, आप विश्वास के साथ कोर्स कीजिए कि सीएस करके मेरी लाइफ बदलने वाली है, एंड डेफिनेटली यू सी कि आपके सारे सपने कैसे पूरे होते हैं बच्चों सीएस करके। आई एम द प्रोडक्ट एंड देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स लाइक मी जिन्होंने सीएस करके अपनी जिंदगी में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। तो मैं बस एक ही चीज सोचूंगा, क्यों बिछड़ना है मुश्किल, ये सवाल आए। यस, मैं सीएस कोर्स से अगर एक सेकंड के लिए भी अलग हो गया तो बच्चों मैं रोक ही नहीं पाता अपने आप को। बार बार मेरे दिल से क्वेश्चन आता है कि दुष्यंत तूने सीएस को अपने आप से दूर क्यों किया यार, तू सीएस कोर्स के बारे में नहीं सोच रहा है। सो बच्चों दिस शुड बी द क्रेजीनेस, दिस शुड बी द मैडनेस ऑफ यू नो डूइंग सीएस बच्चों। तो प्लीज़ आप जैसे भी हैं, मुझे पता है कि आप सबका, बहुत सारे बच्चे वीडियो देखेंगे, उनका दिसंबर या फिर जून में अटैम्प्ट होगा। बच्चों अपने दिमाग को बार बार बोलिए कि दिस अटैम्प्ट इज गोइंग टू बी माई लास्ट अटैम्प्ट, मतलब मैं इस अटैम्प्ट में पास होने वाला हूँ, मैं इस एग्जाम में पास होने वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। सो जुनून की ज़रूरत है बच्चों, जुनून की ज़रूरत है, जोश की ज़रूरत है, हारना नहीं है, थक गए बच्चों, मेहनत इतनी होनी चाहिए ना, मेहनत इतनी होनी चाहिए कि अगर मैं पढ़ने बैठा हूँ ना, और पढ़ने के बाद बच्चों मेरी आंखें दर्द दे रही ना, मेरी आंखें बहुत दर्द दे रही, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली पढ़ रहा हूँ बच्चों, ये आंखों से, और मेरा मन बोलता है कि दुष्यंत सो जा, ये आंखों से आवाज़ आनी चाहिए कि दुष्यंत मेरे मास्टर, ये आंख बोलेगी कि मेरे मालिक, मेरे शरीर के मालिक, मैं खुली रहूँगी, आप पढ़ाई करो बच्चों। ये अपने दिमाग में ना ये जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, अपने सबकॉन्शियस को हमने इतना तैयार करना चाहिए पढ़ाई के लिए बच्चों, क्योंकि बच्चों मेरा बात मानिए बच्चों, पढ़ाई से ही हमारे सारे सपने पूरे होंगे। आपको लगता है ना आपके घर पे ये परेशानी है, भगवान ने आपके घर गलत किया यार, आपको फाइनेंशियल दिक्कतें हैं, आप अपनी मर्जी का फ़ोन नहीं खरीद सकते आप बच्चों। मैं भी पता है बच्चों, इवन आई हैव बीन टू अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, तो मुझे पता है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता था मैं, तो मुझे पता है कि बहुत तकल्लुफ है, बहुत दिक्कत है अपनी लाइफ में, लेकिन अपन क्या कर सकते हैं यार, थोड़ा ना विराट कोहली की तरह क्रिकेट खेलें, अनुष्का की तरह एक्टिंग कर लें, कैटरीना की तरह डांस कर, कैटरीना की तरह डांस कर लें, मोदी की तरह पीएम बन जाए बच्चों। वी कैन नॉट डू व्हाट टैलेंट वी हैव इज, हम पढ़ाई करके अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो प्लीज़ बच्चों मेरे साथ मिलके बोलिए बच्चों, बेख्याली में ख्याल आएगा तो सिर्फ सीएस का आएगा। बिछड़ना है मुश्किल किससे? सीएस से ही बिछड़ना मुश्किल है, और जब भी सीएस से बिछड़ने के सोचे तो बार बार सवाल आएगा कि तू गलत कर रहा है बच्चों। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।